जय हिंद दोस्तों, आज अग्निवीर के तहत नेवी के अंदर फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, इसका जोरदार स्वागत करेंगे। तो अंशिका का नेवी के अंदर अभी फाइनली जो कल लिस्ट आई थी उसमें इसका सिलेक्शन हो चुका है, तो ये ज्वाइनिंग करने जा रही है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ज्वाइनिंग से पहले जो गर्ल्स तैयारी कर रही हैं, फिजिकल तैयारी कर रही हैं, किसी रिटर्निंग पेपर किसी भी जॉब की तैयारी कर रही है, तो जॉब से पहले जरूरी है कि किस कारण से बच्चियां रह जाती हैं और किस कारण से क्या ऐसा करें कि उनको भी ज्वाइनिंग मिल सके। तो अंशिका, जो भी आपके साथ में आपने तैयारी करी है, अपने परिचय अपने गाँव का नाम के साथ दर्शकों को पक्का बताएं। आप अपना परिचय दो। मेरा नाम अंशिका राजावत है, गांव सरसई जिला भिंडी। जब मैं आई थी तो सबसे मेन चीज थी जो थी रनिंग फिजिकल के लिए। पेपर में थी एग्जाम के लिए तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, पर सबसे ज्यादा जो कमजोर था वो रनिंग था, जो नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी नहीं थी। और सर ने इतनी मेहनत करी है और मेरे को रनिंग करवाई है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं कर पाई हूँ। सबसे मेन चीज गर्ल्स में मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि वो अपना रिटर्न पेपर तो तकरीबन गर्ल्स निकाल लेती है और बहुत अच्छी पढ़ाई में, और जो गर्ल्स रिटर्न पेपर नहीं निकाल पा रही तो मैं उस गर्ल्स से कहूंगा कि आप जो बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं अपने पढ़ाई पर बड़ा फोकस करें, और नौकरी लेना चाहते तो मैं हमेशा कहता हूं कम से कम 12 घंटे आप पढ़ाई करो। कम कंपटीशन ज्यादा है, वैकेंसियां कम है। अगर आपको जॉब लेना चाहते हो, जो बच्चे बहाने बनाते हैं कि सर हम एक नंबर दो नंबर से रह जाते हैं, उन बच्चों के लिए एग्जाम्पल है कि अगर आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और 2 घंटे फिजिकल कर रहे हो तो आपको जॉब पक्का मिलती है। तो इसी प्रकार से इसका जब आई थी तो इसके क्या रिटर्न बहुत अच्छा था फिजिकल डाउन होने के बाद भी, लेकिन क्या है आने का रोज आते थे बेटा आप डेली नियम से टाइम। तो ये बच्चों को कहना चाहोगे आप? यस, पूरे टाइम से आओ, टाइम टू टाइम डाइट लो अपनी, जिससे आपकी रनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। जो अगर आप रेगुलर अगर ग्राउंड में आप आते हो फिजिकल करते हो तो रिजल्ट पक्का मिलेगा, क्योंकि सफलता समय मांगती है बेटा, ना सफलता समय मांगती है। और अगर आपको कामयाब होना है तो समय देना पड़ेगा। आप सोचते हो कि 10 दिन 15 दिन में फिजिकल तैयार हो जाए, नहीं हो पाता है। अगर आप रोज आ रहे हो, और दोनों टाइम आते थे आप बेटा? दोनों टाइम सुबह शाम दोनों टाइम आते थे। तो दोनों टाइम आने के बाद भी क्या रनिंग में सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या थी आपकी? सांस फूलना, पेट में दर्द होना सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी गर्ल्स में। तकरीबन गर्ल्स जो फिजिकल तैयारी करती हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो किसकी आती है? पेट पेन की, मतलब पेट में पेन होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरा सांस फूलना, क्योंकि एक्टिविटी स्पोर्ट्स की नहीं किए होते होंगे तो जरूरी है थोड़ा आप समय दो, जिसके कारण से क्या होगा कि आप बिल्कुल कंप्लीट आप अपना फिजिकल कर सको। और क्या बताना चाहोगे बेटा, ग्राउंड फिजिकल कैसा होता है हमारे यहाँ पे? बहुत सही, टाइम टू टाइम फिजिकल होता है, ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट मिलेगा, कभी कम तो होता ही नहीं है। कोई छुट्टी होती है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा वर्कआउट मिलेगा, संडे की कोई छुट्टी नहीं होती, संडे को भी वर्कआउट होता है। मतलब कि ये जाने कोई भी यहाँ जो वर्कआउट के लिए आना चाहता है वो आए, लेकिन जरूरी है कि आपको यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती है। कोई त्योहार छोटे बड़े त्योहार की भी कोई छुट्टी यहाँ पर हम नहीं करते हैं, सिर्फ साल में हम दिवाली के 2 दिन की छुट्टी रखते हैं, इसके अलावा कोई भी छुट्टी नहीं होती है। तो जी ध्यान में, जो भी घर तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी है। तो आपको जब ऐसा तैयारी करते समय तो आपके घर वालों ने रोका आपको? बिल्कुल भी नहीं, मेरे घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया, जरूरी है घर वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और जरूरी है सब। और क्या डाइट बेटा कैसी थी आपकी? बहुत सही, सुबह शाम दोनों टाइम डाइट थी, चने सोयाबीन मतलब जितनी भी डाइट में चीजें आती हैं, काजू बादाम और दाल हर चीज थी डाइट में। मतलब डाइट का बड़ा देखो, एक वर्कआउट साथ में डाइट और घर का सपोर्ट अगर आपको मिल जाता है तो आप पक्का जो। तो ज्वाइनिंग के बाद घर वाले क्या खुश हैं कि दुखी हैं? खुश भी हैं दुखी भी हैं कि चली जाऊंगी। अच्छा, तो आपको नेवी की जब आपको पता पड़ा कि आप फाइनल सिलेक्शन हो गया तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी हुई, अंदर से लगा कि हाँ अब सही है। तो घर से मेहनत की थी तो घर से अब दूर जाओगे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा। अभी घर में तब नेवी के अंदर जो आप बहुत लंबे लंबे टूर पे जाओगे, दूर दूर जाओगे, जैसे कि मद्रास, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, बॉम्बे, ऐसे दूर दूर रहोगे तो घर की याद आएगी। तो जरूरी है अगर आप सफलता लेना चाहते हो, जॉब लेना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो और आपका एक सपना है, अगर आप वर्दी लेना चाहते हो तो आपको घर से दूर रहना पड़ेगा और वर्दी लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।